हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पाइस विद तब्बू। तो गाइस, आज की हमारी रेसिपी है चिकन कोरमा। तो देखिए चिकन कोरमे की रेसिपी। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, उसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। यहाँ पे 3 मीडियम साइज के मैंने प्याज को चॉप करके अंदर डाला है। हमें अच्छे से फ्राई करना है उसे। अब यहाँ पे 2 टोमेटो मैंने लिया है, उसे भी कट करके हमने डाला है। हमें अच्छे से फ्राई करना है। टेस्ट के हिसाब से नमक हम डाल रहे हैं उसमें। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब हमें अच्छे से मिक्स करना है, उन मसालों में भूनना है हमें। देखिए यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम उसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब हमें मसालों को अच्छे से भूनना है। जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा तब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून दही को ऐड किया है फेंट के। अब हमें मसालों को फिर से अच्छे से भूनना है। हमारा मसाला भून चुका है, अब हम उसमें हमारी चिकन धोई हुई है वो ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। हमारा चिकन मसाले के अंदर अच्छे से भून चुका है, अब हम उसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। यहाँ पे थोड़ा मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। अब पुदीने के चंद पत्ते और हरा धनिया। अब हम इसे ढक के रखेंगे स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। देखिए गाइस, हमारी चिकन कोरमा रेडी हो गई है। तो गाइस, आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी कैसे लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।